नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत वाघेला और आप देख रहे हैं टेक पीवी। आज का हमारा टॉपिक है एटीएम। जी एटीएम, हजारों लोग एटीएम यूज़ करते हैं दुनिया में, उसमें से आप भी एक हैं। हम एटीएम में जाते हैं, कार्ड डालते हैं, अपना पिन डालते हैं और पैसे निकल आते हैं, पर आज तक हमने ये नहीं सोचा कि दरअसल ये एटीएम वर्क कैसे करता है। तो आज ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आज के बाद पूरा एटीएम के बारे में बताऊंगा कि एटीएम कैसे वर्क करता है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। जी एटीएम, एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, इंडिया, मालदीव, फिलीपाइंस, श्रीलंका जैसे देशों में उसको एटीएम ही बोला जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जो टेलर वर्ड्स है उसका मीन्स होता है कैशियर या फिर क्लार्क। और जो कनाडा है, कनाडा में उसको एबीएम के नाम से जाना जाता है, ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन। और वैसे ही ब्रिटिश में उसे कैश पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और जो आर की दादी भी, उसके कुछ अलग अलग नाम है, कैश लाइन, मिनी बैंक, कैश मशीन, कैश डिस्पेंसर, बैंकोमट, बैंकोमट, तो ये सब नामों से उसको जाना जाता है। कैश डिस्पेंसर, जरा उसे जापान में कैश डिस्पेंसर से नाम की से जाना जाता है। तो जी हम इसकी बात करेंगे पहले तो हिस्ट्री की, कि एटीएम कब बना। तो एटीएम बनने की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जब सारा व्यवहार 1939 से पहले, जब सारा व्यवहार पैसों का हाथों से होता था, तब बैंकों में बहुत सारे कर्मचारी रखने पड़ते थे, और वह कर्मचारी कभी कभार हड़ताल पर उतर जाया करते थे क्योंकि उनको ज़्यादा वेतन चाहिए होता था। और वहाँ तब अमेरिका की नागरिकों को बहुत ही मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, जब ये लोग स्ट्राइक पे उतर जाते थे तो बहुत सारे पैसों से लगे हुए कारोबार उनके अटक जाते थे। तब कहीं जाके ये महाशय, जिनका नाम है लूथर जेयस सामिजान, इनको विचार आया एटीएम मशीन बनाने का, और उन्होंने अपना फर्स्ट एटीएम 1939 में लॉन्च किया था, जिसका नाम था बैंक मैट्रिक। जी हाँ दोस्तों, बैंक मैट्रिक। और बैंक मैट्रिक लॉन्च करने के बाद उन्होंने बहुत सारी बैंकों से इस मशीन के लिए प्रस्ताव रखा था, पर कोई भी बैंक इनको लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उस समय में पैसों के व्यवहार को बहुत संवेदनशील माना जाता था, तब कोई ये पैसों का मशीन लेने के लिए तैयार नहीं था। पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हार भी नहीं मानी, और कहीं जाके 21 साल तक उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। फिर 1960 में उन्होंने न्यूयॉर्क की एक बैंक, जिसके आज हम सिटी बैंक से जाना जाता है, वहाँ पे ये मशीन के लगाने के लिए प्रस्ताव रखा, और वहाँ की बैंक मान गई। पर तभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के नागरिक ज़्यादातर सेफ पैसे निकालने के लिए वो बैंक को ही मानते थे, इस मशीन का यूज़ नहीं करते थे वो। एटीएम तब प्रचलित हुआ जब जापान में क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ और लोगों को लगा कि नहीं, अब एटीएम मशीन की ज़रूरत है, तब जाके एटीएम का चालू हुआ। और उसके 1 साल बाद लंदन में भी एक बैंक ने घोषणा कर दी कि नहीं, हम भी एटीएम लगाएंगे, तब जाके एटीएम कहीं पे प्रचलित हुआ और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रियों में फैल गया। और इसी तरह आज एटीएमआई के, जिसका नाम है एटीएम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उसके मुताबिक आज पूरी दुनिया में 3 मिलियन एटीएम फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। अब हम इसके हार्डवेयर की बात करते हैं, तो इसके हार्डवेयर में 4 आउटपुट और 2 इनपुट डिवाइस होते हैं। 2 इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? एक तो कार्ड रीडर, जहाँ से हम कार्ड डालते हैं, एक कीपैड, जहाँ से हम कीपैड का यूज़ करते हैं, जहाँ से पिन डालते हैं और पैसों की कुछ रकम डालते हैं, और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइसों में डिस्प्ले स्क्रीन। ये जरा सर एक यूज़र इंटरफेस है, जहाँ से हम देख पाते हैं कि एटीएम में हमें क्या प्रोसेस चल रही है, तो ये यूज़र के लिए इंटरफेस करने के लिए डिस्प्ले बनाया जाता है। ये कैश डिस्पेंसर, जहाँ से हम पैसे लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, उस जगह को कैश डिस्पेंसर बोला जाता है। ये रिसिप्ट प्रिंटर, जहाँ से हमारी रिसिप्ट बाहर आती है। और फिर ये है स्पीकर, स्पीकर उन लोगों के लिए है जो अंधे होते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए स्पीकर लगा होता है। जैसे हमारे लिए डिस्प्ले काम करता है, वैसे स्पीकर उनके लिए काम करता है। अब हम इसके इनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जैसे ही हम पहले से हम स्टार्ट करते हैं, जब हम एटीएम में जाते हैं तो पहले कार्ड डालते हैं, तो कार्ड डालने के बाद जहाँ से कार्ड स्लॉट में एक मैग्नेटिक कॉइल रीडर लगा हुआ होता है, जो हमारे बैंक कार्ड के पीछे एक
ब्लैक कलर की मैग्नेटिक चिप होती है, उसमें हजारों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, जहाँ पे कोड छुपा हुआ होता है। इंक्रिप्टेड कोड होता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो हम जैसे ही उसको डालते हैं और उसके अंदर हमारा पिन, CVV नंबर ये सब छुपा हुआ होता है उसको, और हमारे कीपैड में डाले हुए नंबर को वो मैच करता है, और मैच करने के बाद हमें हमारे बैंक के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता है, और ये काम होता है। फिर जब हमारा मैच हो जाता है, फिर हम पैसों की कुछ रकम डालते हैं, और रकम डालने के बाद पैसे बाहर आने का होता है, तो ये कैश चैम्बर है। अब ये देख रहे हो कैश चैम्बर है, ये कैश चैम्बर होती है। जरा सर, एक ATM में 2 कैश चैम्बर होती है, और एक कैश चैम्बर के अंदर 2 लाख रुपए होते हैं। मतलब देख, दो दो चैम्बर होती है, एक में 2 लाख रुपए होते हैं, मतलब 2 चैम्बरों के मिला के हो गए 4 लाख रुपए। और ये देख रहे हो सक्शन क्यूब, सक्शन क्यूब ये रहा, सक्शन क्यूब यहीं पे भी है, यहाँ पे भी है। सक्शन क्यूब क्या करता है कि नोटों को वहां से खींच के रोलर की तरफ पहुंचाता है। ये जब भी जब हमारा कार्ड मैच हो जाता है, फिर पैसे निकलने का टाइम आता है, तो सक्शन क्यूब ऊपर खींच के रोलर की तरफ बढ़ाता है। जब रोलर सक्शन क्यूब खींच के रोलर की तरफ बढ़ाता है, तो रोलर का काम होता है नोट की थिकनेस को मापना। जी हाँ दोस्तों, हर एक नोट की थिकनेस अलग अलग होती है, 1000 की हो या 500 की हो, उसकी लेंथ और थिकनेस दोनों की अलग अलग होती है। तो रोलर उसकी थिकनेस और उसको मेजर करके वो पहचानता है कि ये 500 की नोट है या 1000 की नोट है, और उसके ही हिसाब से ये पैसे निकाल के हमें देता है। और ये सक्शन क्यूब रोलर के हिसाब से काम करता है। फिर बारी आती है कि अगर रोलर ने, सक्शन क्यूब ने 2 नोट खींच ली, तो रोलर जरा सा दोनों को मैच करके रॉन्ग नहीं करता है, एक नोट को आगे जाने देता है और एक नोट को रिजेक्ट बॉक्स में डाल देता है, जहाँ से वो नोट वापस चली जाती है। और ये बात है डिपॉजिट बॉक्स, जहाँ से चेक या आदि एक्सेप्ट किए जाते हैं, और रिसिप्ट पे होता है जहाँ से रिसिप्ट बाहर आती है। हाँ, अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो दरअसल दोस्तों, ये वर्क करता है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर पे और लिनियस के सॉफ्टवेयर पे। इसके भी अलग अलग टाइप है, विंडो 2000 पे वर्क करता है, कुछ XP पे वर्क करता है, और आते ज़्यादातर ATM XP पे ही वर्क करते हैं, पर आज कहीं दुनिया में कुछ ATM ऐसे भी है जो लिनियस पे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं ATM नेटवर्किंग की। दरअसल दोस्तों, इस ATM एक होस्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। होस्ट कंप्यूटर मतलब वो बीच वाला कंप्यूटर है। जैसे ही हमारा कार्ड और पिन मैच हो जाता है, तो हमारे बैंक के कंप्यूटर से हमें कनेक्ट कर देता है, और इसका जो नेटवर्किंग होता है वो लेज लाइन होता है या डायल अप होता है। लेज लाइन मशीन जो कनेक्टेड होता है 4 वायर या पॉइंट टू पॉइंट या टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। जो अब डायल मशीन होता है वो कनेक्टेड होता है फोन लाइन से कनेक्ट होता है, या मॉडेम से कनेक्ट होता है, या कोई टोल फ्री नंबर से, या तो फिर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ये देखिए, ये इसका समझाने के लिए एक डायग्राम है। ये ATM है। जब हम यहाँ से अपना कार्ड और पिन डालते हैं, तो वो मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है, तो ये होस्ट कंप्यूटर है, वो हमारे अपने बैंक के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। और बैंक के कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, थोड़ा हम इसको आगे समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अलग अलग ATM है, ATM और ATM के कार्ड है। तो यहाँ से ये होस्ट कंप्यूटर से सब कनेक्टेड है, और यहाँ से वो बैंक से कनेक्टेड है। अगर इस ATM कार्ड ने डाला और होस्ट प्रोसेसर ने उसको देखा, तो वो उसके उस बैंक से उसको कनेक्ट कर देगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं मर्चेंट, ये मॉल के लिए यूज़ होता है, कि ये मॉल मॉल का जो मशीन होता है वो भी ठीक इसी तरह वर्क करता है, कि आप जैसे ही उसमें वहाँ पे कार्ड या पिन डालते हो, तो वो सीधा आपको होस्ट कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है बैंक से। होस्ट कंप्यूटर के थ्रू बैंक से आपको कनेक्ट कर देता है। ओके, और इसके बाद आती है बारी कि ATM में जैसे पैसे कौन डालता है। तो पैसे डालने के लिए एजेंसीज बनाई गई होती है, जो सुबह 10 बजे के आसपास जब बैंक खुलता है, तो वो पैसे लेके निकल जाती है और ATM में डाल देती है। ATM में पैसे डालने के लिए भी दरअसल एक पिन और पासवर्ड रखा जाता है, जो वहाँ लोग पीछे से खोल के उसके चैम्बर में पैसे भरते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम था, जब हमारे 500 और 1000 की नोट बंद हो चुकी थी, तब कहीं पर जाके ये एजेंसी को सुबह 8 बजे पैसे डालने पड़ते थे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो भी हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।
थैंक यू। और आने वाले मेरे बहुत सारे वीडियो टेक्नोलॉजी हैकिंग फ़ोन के बारे में, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।